हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो फिलहाल तो अभी मैं गाय के साथ हूँ, देख लो पीछे गाय। तो हम ले जा रहे हैं, मतलब इधर की साइड ले जा रहे हैं आज, ऊपर पीछे बीच वाले की साइड, क्योंकि आज थोड़ा बारिश का मौसम हो रखा है। मौसम दिखाता हूँ मैं एक बार। ये देखो आज पूरे बादल लगे हुए हैं, मतलब सब लोग फ़ोन में चेक कर रहे थे तो बारिश ही बता रहा था, और बारिश का मौसम हो रखा है इसलिए हम इधर की साइड ले जा रहे हैं। यहाँ पर मतलब धूप, वैसे धूप होती है इसलिए हम गाय इधर ले जाते हैं गाय, पर आज धूप नहीं है तो आज इधर ही ले जाएंगे मस्त। और मैंने तो जूते ला रखे हैं धोने के लिए, तो मैं इनके पास छोड़ दूंगा गाय, शैलेश की मम्मी के पास, और बैग भी दे दूंगा अपना, और मैं आराम से जूते धोऊंगा नदी में। ठीक जना, ठीक जना, बैग ले जाओ, मैं रुक जाओ। हाँ तो बैग तो दे दिया मैंने उनके पास, और जूते इस पन्नी में लाया था मैं, जूते धोऊंगा आराम से नदी में। नदी में मस्त मज़ा आता है। नदी में ऐसा होता है कि बस जूते डुबा दो आराम से, कपड़े वपड़े भी जो भी हो मतलब आराम से डुबा दो, और पानी की कोई दिक्कत नहीं होती, जितना पानी चाहिए उतना पानी ले लो, बस ऐसे ही भिगो के रख दूंगा आराम से, पानी पानी है, कोई कमी नहीं है। और अभी मैं मतलब सुबह के टाइम से कर रहा हूँ व्लॉग की शुरुआत, वरना आपने देखा होगा मैं दो तीन दिन से शाम के टाइम से कर रहा था, मतलब दिन के टाइम से, पर आज मैं सुबह से ही कर रहा हूँ, ऐसे ही मैंने सोचा थोड़ा। और मैं घर से ही करने वाला था शुरुआत, पर जो मैं बता रहा था कल कि हम लाइट बनाने गए थे तो नहीं बनी, मतलब हमने थोड़ा बहुत जो जुगाड़ से अटकाया हुआ था वो बाद में चला गया, मतलब टूट गया वो, पता नहीं क्या हुआ, बारिश भी आने लग गई थी तो फिर मतलब काम नहीं किया उस जुगाड़ ने। तो हम ऐसे ही मतलब रात को ऐसी थी, लाइट नहीं थी, तो सुबह सुबह मैंने चार्ज करने के लिए दे दिया था फ़ोन ताई जी उनके घर में, इसलिए मैं सुबह वीडियो नहीं बना पाया, और मैंने सोचा अभी स्टार्ट करते हैं फिर। तो मैं फटाफट से इन जूतों को धोता हूँ, उसके बाद चलते हैं फिर गाय के साथ। कल हमने थोड़ी बहुत कोशिश की थी इस डंडे को बनाने के लिए, पर नहीं बनी है। देखो ऐसे ही थोड़े बहुत पत्थर लगा दिए थे हमने, हमने बहुत बार बनाई है ये, पर बार बार टूट जाती है, पानी उधर से निकलना शुरू हो जाता है, देखो हो भी गया उधर से शुरू, तो ऐसे ही बन जाती है, मतलब गहरी नहीं है ना इसमें वैसे, इसलिए लेटती नहीं है। तो इसको ऐसे फेंक दिए, कुछ नहीं उसमें जूते हैं, भिगा नहीं थे मैंने, ऐसे ही फेंक दिए, और धूप भी नहीं आ रही, पता नहीं कैसे सूखेंगे। जो भी हो इनको धोता हूँ मैं फटाफट से, अभी धो दिए मैंने जूते भी, देखो क्या मस्त चमक रहे हैं, उस वक्त गंदे हो रखे थे ना इसलिए नहीं दिखाए मैंने, और अभी साफ कर दिया तो मैं अभी दिखा रहा हूँ, देखो मस्त चमक रहे। और अभी धूप भी आई थी थोड़ी देर पहले मस्त वाली, तो मुझे लगा मस्त सूख जाएंगे, पर अभी चली गई धूप, तो पता नहीं क्या होगा इनका, सूखेंगे नहीं सूखेंगे, तो अभी देखते हैं। फिलहाल इनको रखता हूँ मैं पन्नी में, वो पन्नी ला रखी थी जो मैंने, उसी में रखता हूँ, और फिर गाय के साथ चलता हूँ, वहीं डाल दूंगा सुखाने के लिए। हाँ तो अभी हो चुका है शाम का टाइम, और मैं जा रहा हूँ ज़रा वहाँ नीचे लाइट बनाने के लिए, जो मैं कल बताया था कि लाइट चली गई थी, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे। और बारिश का मौसम भी हो गया देखो पूरा, मैंने जूते भी ऐसे ही रख रखे हैं बाहर, बारिश आ गई तो भीग जाएंगे वो। और मैं जा रहा हूँ मतलब नीचे लाइट बनाने के लिए, धीरू भाई जा रहे हैं, और कल रात तो हम दो तीन लोग गए थे, पर अभी हम दोनों ही जा रहे हैं शायद, अभी पता नहीं है, पर फिलहाल तो हम दोनों ही हैं, और उधर से लाइन मैन को ही बुला रखा है शायद। बाकी जो गांव का मतलब जितना ज़्यादातर ये काम होता है लाइट वगैरह का, मतलब पोल में चढ़ना, लाइट की जो भी फिटिंग वगैरह, मतलब ऐसी चीज़ें होती है गांव की, वो ज़्यादातर धीरू भैया ही करते हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में मतलब जानकारी है, कैसे फिटिंग करते हैं क्या करते हैं इनके बारे में जानकारी उनको ही ज़्यादा, तो सब लोग उन्हीं को बुलाते हैं, और ऐसे कामों में भी मतलब वही आते हैं हमेशा। तो अभी उनके साथ जा रहा हूँ मैं नीचे, और लालू प्रसाद जी भी आ गए मेरे साथ। अलर आ जा, देखो ये भी आ गया पागल। हेलो गर, ये पता नहीं क्यों आ रहा है, अभी दिखाऊंगा मैं वहाँ पे कि कैसे लाइट बनाएंगे क्या करेंगे। कल तो रात हो रखी थी तो मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं, और वैसे भी हम थोड़ा सा हमने हिलाया उसको और लाइट आ गई थी, तो हम आ गए ऐसे ही वापस थोड़ा सा अटका के, पर अभी थोड़ी बड़ी वीडियो बनाऊँगा मैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा दिखा दूँगा अगर अच्छे से, मतलब बारिश नहीं आएगी और यहीं पर रहेंगे हम, तो कैसे बनाते हैं क्या क्या होता है थोड़ा दिखा दूंगा मैं। कल तो रात को दिखा नहीं पाया अच्छे से, पर अभी उजाला हो रखा है तो अभी दिखा दूंगा, जाता हूँ मैं फटाफट से वहाँ पे। तो जा रहे हैं धीरू भाई जी ऊपर यहाँ पे बनाने के लिए, अरे व्लॉग बनाओ जरा यहाँ पे वो काम करने के लिए, और जो मैं बता रहा था कि बारिश आने वाली है तो अभी लग गई बारिश देखो, और यहाँ पे आप बैग में भी देखो, बैग भी भीग रहा है, लालू भी भीग जाएगा यहाँ पे। अभी तेज़ तो नहीं आ रही, पर हल्की हल्की बारिश आ रही है, अभी अगर तेज आ जाएगी तो हम यहीं पर भीग जाएंगे, वरना नहीं आएगी तो अच्छा ही है। मेरे को तो पता भी नहीं है कैसे बनाते हैं क्या होता है, मैं देख रहा हूँ बस। बन गया नहीं तेज बस,
तो हो गया भले, पता नहीं क्या क्या हुआ, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं है यहाँ का। और आगे फ़ोन किया था हमने लाइन मैन को कि मतलब आगे शट डाउन देने के लिए, तो वो भी हो गया, कल तो वो फ़ोन ही नहीं लगा था। तो अभी चेक करेंगे बाद में कि लाइट आ रही है नहीं आ रही, ऐसे तो हो ही गया होगा ठीक, और अभी घर जाके देखेंगे लाइट आ रही है नहीं आ रही है। अभी फ़ोन कर रहे भैया उनको कि मतलब लाइट ऑन कर दो वहाँ से, तो अभी देखेंगे लाइट आ रही होगी तो ठीक, वरना फिर से बनाना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ मोहन भाई वापस ले लिया शटडाउन। हाँ हाँ भैया, हाँ भैया। तो फिलहाल तो मैं घर पर ही हूँ और लाइट भी आ चुकी है, मतलब अब हमने ढंग से ठीक कर दिया वहाँ पे, अब कोई वो नहीं होगा, अगर होगा भी तो मतलब बहुत टाइम बाद होगा जैसे होता ही रहता है, उसका कोई भरोसा नहीं है भाई। पर फिर भी फिलहाल तो ठीक है, और मौसम एकदम ख़राब हो रखा है, बिल्कुल ख़राब, बारिश शुरू ही हो गई, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो मौसम कैसा हो गया और बारिश शुरू हो गई हल्की फुल्की, बहुत ख़तरनाक मौसम हो गया है। और मैं तो घर पर ही हूँ, साक्षी गई हुई है गाय के साथ, लालू महाराज जी सो रखे हैं, और जो मैं यहाँ पे बोल रहा था पीला वाला, देखो पीला ही हुआ है यहाँ पे, ऐसा हो रखा है अंदर बाहर दोनों जगह पीला ही कर रखा है। अभी इस पे दरवाजे नहीं लगा और पेंट वेंट मतलब खिड़की दरवाजों पे अभी बाद में होगा, पर ये पीला बन रखा है, देखो पूरा पीला हो रखा है, ऊपर छत हो रखी है सफ़ेद, बाकी इस पे पूरा पीला कलर कर रखा है। और मैं तो फिलहाल घर में ही हूँ, बारिश भी शुरू हो गई, देखो हल्की फुल्की बूंदें गिरने लग गई, और देखता हूँ कुछ सामान बाहर होगा तो उसको अंदर रख दूंगा और फिर घर पे ही रहूँगा, और कुछ काम है नहीं मेरा। और जैसा कि मैं बता रहा था कि बारिश आने ही वाली है, तो ये देखो लगी हुई है उस समय से बारिश, हल्की फुल्की लगी है, तेज़ नहीं आ रही, पर बारिश लगी हुई है। और रात का टाइम हो चुका है, दादी बैठी है वहाँ पे, और मेरे को काम मिला है आग जलाने का, तो बाहर तो बारिश आ रही है इसलिए हमने वो चूल्हा भी अंदर रख दिया, तो अंदर ही जलानी पड़ेगी आग, और मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, आग जलाता हूँ मैं फटाफट से। तो अभी आग भी जला दी मैंने, ये देखो आग भी मस्त जल चुकी है, पानी रखा हुआ है मैंने कितली में, और सब्जी आ रही है, सब्जी आज हम बना रहे हैं लिंगड़े, देखो लिंगड़े ला रखे आज मम्मी ने, दिखाता हूँ मैं अभी आपको, ये देखो ऐसे होते हैं लिंगड़े, सब्जी होती है ये पहाड़ी। अभी एक दिन जाऊंगा मैं कभी अगर, तो फिर दिखाऊंगा आपको कहाँ पे होते हैं कैसे होते हैं, और अभी अगर सब्जी बनेगी, अगर जल्दी बन जाएगी तो वो भी दिखा दूंगा कैसी बनती है सब्जी इसकी, पर ऐसे होते हैं दिखने में कुछ, ये जहाँ पे पानी होता है ज़्यादातर वहाँ पे होते हैं, और फिर ऐसे इसको मतलब नीचे से तोड़ के और फिर इसकी सब्जी बनाते हैं ऐसे काट काट के। साक्षी भी आ गई घर पे, चाय बनो, चल मिला आग जलाना, तू गर्मी